आपने जो सपोर्ट दिया मुझे उसको कवर करने के बाद मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ पॉलीनोमियल्स। अब हम कवर करेंगे इस वीडियो में पूरा पॉलीनोमियल्स और पूरी फुल फ्लेज वीडियो होगी। जी हाँ, इसका कोई पार्ट नहीं होने वाला। जैसे कि मैंने रियल नंबर के दो पार्ट बनाए थे, इसका कोई भी पार्ट नहीं होगा। मैं इसको एक ही वीडियो में कवर करूंगा। एक ही वीडियो में आप समझ जाएंगे कि हाँ पॉलीनोमियल्स क्या होता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और आपका पॉलीनोमियल चैप्टर खत्म। जी हाँ बिल्कुल। और एक एक ट्रिक को बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। हमारे जो वीडियो का एजेंडा होने वाला है सारे आपको चीजें समझाऊंगा। कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जीरो पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, लीनियर पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, मोनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, सब कुछ बताने वाला हूं आपको। पूरा चैप्टर कवर करवाने वाला हूं आपको। टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हां, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे, ठीक है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुपद तो इसको तोड़कर ही समझ लेते हैं एक बार पहले। पॉलीनोमियल्स होते क्या क्या है, यहाँ पे लिखा है बहु और पद। पद मतलब होता है कोई भी संख्या, ये तो हम जानते हैं। बहु का क्या मतलब होता है, बहु मतलब वो सास बहु वाले वो बहु नहीं है। बहु मतलब होता है, आपने पढ़े होंगे हिंदी में एकवचन बहुवचन। जी हाँ बिल्कुल वही। तो बहुवचन मतलब होता है बहु मतलब जहां पर दो या दो से ज्यादा शब्द होते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं। तो बहु मतलब दो या दो से ज्यादा और पद मतलब पद, दो या दो से ज्यादा संख्याओं की हम बात कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा पद की हम बात कर रहे हैं, उसी को तो पॉलीनोमियल्स कहते हैं। आप नहीं समझे, देखिए मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। यहां पर मैंने लिखा ए एक्स प्लस बी, ठीक है। मैंने क्या लिखा, ए एक्स प्लस बी, तो दो पद हो गए ये वाले, इसको सेपरेट क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है, ठीक है ना। मतलब अलग अलग हिस्से, पद के अलग अलग हिस्से को हम क्या कहते हैं, पॉलीनोमियल्स कहते हैं। यहाँ पर हम इस चीज को अलग अलग कर रहा है, क्या अलग कर रहा है, प्लस अलग कर रहा है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे अगर मैंने लिखा है एक्स अपॉन वाई, आप इसको पॉलीनोमियल बोलेंगे। मैंने क्या बताया कि पॉलीनोमियल क्या होते हैं, जो दो अलग अलग पद होते हैं, दो अलग अलग संख्याएं होती हैं, उसको हम पॉलीनोमियल बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। तो x अपॉन y को जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, इसको आप पॉलीनोमियल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। देखिए आप अगर इसको टर्म कंसिडर करेंगे तो एक ही टर्म कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये कहीं से भी अलग नहीं हो रहे हैं। मैथ्स की अगर हम भाषा में, मैं आसान भाषा में आपको समझाना चाहूं, तो दो टर्म को या दो पदों को कोई भी चीज अलग करती है तो वो सिर्फ दो चिन्ह होते हैं। पहला चिन्ह होता है या पहला साइन होता है प्लस का, जिसको हम एडिशन बोलते हैं। दूसरा साइन होता है माइनस का, बस, जिसको हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। दो ही चीजें ऐसी होती है, दो ही चिन्ह ऐसे होते हैं जो पदों को अलग करते हैं। बाकी जो मल्टीप्लाई होती है, जैसे मैंने ये लिख रखा है ए इंटू एक्स, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो आप क्या कहेंगे, दोनों अलग अलग पद हैं, हम इनको अलग अलग दो अलग अलग पदों में बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई होकर ए एक्स ही आ जाने वाला है, ठीक है ना। आप टर्म को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं तो अलग सिर्फ इन दोनों चिन्हों से किया जाता है, प्लस से और माइनस से। तो हम इनको एक्स अपॉन वाई को और ए एक्स जैसे कि ऐसे कुछ शब्द आते हैं, इनको हम पॉलीनोमियल्स नहीं बोलेंगे। आगे ऐसा समझ में पूरी बात है, पॉलीनोमियल्स किसे कहते हैं। देखिए मैं आपकी चीजों को बहुत आसान करने की कोशिश कर रहा हूं, पहले हम पूरा थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप भी सोचिए मत कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैं तो आपको सिर्फ एक कहानी पढ़ा रहा हूं, एक आपको तरह से समझा रहा हूं कि चीजें किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होती है। ओके, तो हमने बहुत आसानी से समझ लिया कि पॉलीनोमियल्स क्या होता है। पॉलीनोमियल्स क्या होता है, दो अलग अलग पद या
बच्चों पदों को विभाजित करना ही पॉलिनोमियल्स कहलाता है। इतना हमने समझ लिया। 8, 9, 10 में पढ़ते हुए आते हैं तो तीनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो जो भी आप देख रहे हैं तो अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या समझा कि पदों को अलग करना ही पॉलिनोमियल्स है, और पद अलग किस चीज से होंगे, या तो प्लस साइन से होंगे या फिर माइनस के साइन से होंगे। अगर मतलब ऐसा होता है कि एक्स माइनस वाई अगर मैं लिखता हूं तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। आया समझ में? मतलब ऐसा कोई भी डिजिट नहीं होनी चाहिए कि मतलब बेसिकली जो मल्टीप्लाई आ रही है, डिवाइड आ रही है, वहां पर आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो आपके सीधे सीधे एक ही पद कंसिडर किया जाएगा, एक ही संख्या कंसिडर की जाएगी। आपको आ गया समझ में? बिल्कुल। चलिए आप और भी बातें करते हैं, अब बात करते हैं कांस्टेंट की और वेरिएबल्स की। आप मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपके कुछ दोस्त होते हैं, स्कूल के दोस्त होते हैं, कॉलेज के दोस्त होते हैं, बचपन के दोस्त होते हैं। कितने दोस्त ऐसे होते हैं कि वो बचपन से लेकर अभी तक आपके साथ होंगे, आपका हर काम में साथ देते हैं, आपको पूरी मदद करते हैं और आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे चीजें जो होती हैं जो कभी नहीं बदलती है, उनको कांस्टेंट कहते हैं। आप पूछ रहे हो सर आप तो ये मतलब हिंदी का इंग्लिश मीनिंग बता रहे हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल वही बता रहा हूँ, आप वही समझ लीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो चीजें नहीं बदलती हम उनको कांस्टेंट कहते हैं। सीधी सी बात हो गई, कांस्टेंट मतलब कोई भी चीजें जो टर्म नहीं चेंज होते, जो टर्म चेंजेबल नहीं होते हैं उनको कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि आपके कुछ दोस्त जो कि आपके बचपन से भी साथ थे, स्कूल में भी साथ थे, कॉलेज में भी साथ है, आपके लाइफ में भी हमेशा साथ रहेंगे, जब भी आपको जरूरत होगी उनकी वो हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी खुशी हो, कोई प्रॉब्लम हो, दुख हो, कोई टेंशन नहीं होती उनके लिए, वो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे ही वो आपके कांस्टेंट फ्रेंड्स रहते हैं। ऐसे मैथ में एक कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट मतलब कोई भी एक नंबर जो कि चेंज ना होता हो, कांस्टेंट मतलब कोई भी एक नंबर। अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं, कांस्टेंट तो कोई भी एक नंबर लाइक 1, 2, ठीक है ना, 1, 2, 3, कोई भी एक नंबर लाइक ऐसे कोई भी नंबर आ जाए तो दैट इज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर भी वो कांस्टेंट है, दिल्ली में भी कांस्टेंट रहेगा, कर्नाटक में भी कांस्टेंट रहेगा, तमिलनाडु में भी कांस्टेंट रहेगा, राजस्थान में भी, आंध्र प्रदेश में भी, हर जगह कांस्टेंट है। चाइना, अमेरिका, रशिया, कहीं भी चले जाओ, तीन तो तीन ही रहने वाला है, दो तो दो ही रहने वाला है, बदल थोड़ी ना जाएंगे। तो कोई भी नंबर जो कि आपके पद होते हैं, चर अचर पद होते हैं, ठीक है ना, वो सारे नंबर आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं। ओके, तो कांस्टेंट मतलब कौन सा था, अचर पद। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो अचर पद को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और हम बात करते हैं कुछ ऐसे फ्रेंड्स के बारे में जो कि आपके थोड़े से ऐसे होते हैं कि जब आपको उनकी जरूरत होती है वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, आपको अपना फोन ऑफ कर देते हैं या फिर चले जाते हैं आपसे दूर। जब भी आप प्रॉब्लम में होते हैं तभी आपके साथ नहीं होते, सिर्फ मतलब के दोस्त होते हैं वो। मतलब आपने फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, वो एकदम फोन काट देता है या कोई बहाना बना देता है कि मैं नहीं आ सकता, ये है वो है, बस बात खत्म। ठीक है, तो ऐसे को हम कहते हैं वेरिएबल, जो कि जो इधर उधर हो जाते हैं, लाइक आपका साथ नहीं देते हैं, मतलब जिनकी संख्याएं बदलती रहती हैं, उनके गुण ढंग बदलते रहते हैं। आपके भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे अपनी लाइफ में जिनके गुण और ढंग हमेशा बदलते रहते हैं। ऐसे ही मैथ्स में कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल, ओके, वेरिएबल टर्म्स। अभी हमने कॉन्स्टेंट टर्म देखा जो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, अचर पद जिसे बोलते हैं। वेरिएबल जो होते हैं वो चर पद होते हैं जो कि बदल जाते हैं, जिसको हम ऐसे कंसीडर करते हैं एक्स वाई जेड या फिर कोई भी अल्फाबेट में आ जाए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, यहां मैंने लिखा ए सॉरी 2x+3, ठीक है, मैंने ये यहां पर कंसीडर कर दिया कि 2x+3 मैंने एक पॉलिनोमियल वाला बना दिया कि ये पॉलिनोमियल है क्योंकि दो संख्याओं को अलग अलग कर रहा है। अब मान लीजिए मैं एक्स की जगह 1 रख दूं तो 2 + 2 + 1 = 5 हो जाएगा, x जगह मैंने 2 रखा तो 2 × 2 = 4 और 3 = 7 हो गया। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि x की जगह कोई भी संख्या आ जाएगी तो वो चीजें बदल जाएंगी, पर 3 की जगह 3 × 2 = 3 ही तो रखेंगे, 4 तो नहीं रखने वाले हम, कभी बदलते हैं। आपने कभी ऐसा किया है मैथ्स में? आप चेक करके देख रहे ना, ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि आप 3 की जगह आपने 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, अपनी मर्जी से लिख देते, 3 है तो 3 ही लिखोगे, ठीक है ना। पर x की जगह हमें कोई भी संख्या दे दी जाती है मैथ्स में कि अगर x और y ये है तो संख्या ज्ञात कीजिए, सीरीज ज्ञात कीजिए, ऐसी तो चीजें होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, चर पद कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। बस इतना ही तो समझना था आपने, कांस्टेंट मतलब टर्म्स ऑफ कांस्टेंट भी समझ लिया, टर्म्स ऑफ वेरिएबल भी समझ लिया। बहुत ज्यादा इजी चीजें होती हैं जो जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल वैसे समझ से चले जाइए। चैप्टर अभी भले नहीं पढ़ रहे हैं पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूं, अगर आपने चीजें समझ ली तो पॉलिनोमियल्स हल्का बन जाने वाला है, मतलब कुछ भी नहीं रह जाएगा पॉलिनोमियल्स से, पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो कुछ आगे के टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं और थोड़े से आगे के टर्म्स देखते हैं।
तो अभी तक मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल्स में कीजिए क्या किस किस तरह से होती है। मैंने आपको टर्म्स पढ़ाए, पहले बहुपद बताया पॉलिनोमियल होता क्या है, फिर टर्म्स पढ़ाए कि कांस्टेंट टर्म कौन से होते हैं, वेरिएबल टर्म्स कौन से होते हैं। पॉलिनोमियल्स की और भी सारी शर्तें होती है कि एक पॉलिनोमियल बन जाए, ठीक है ना। पहले मैंने आपको टर्म पढ़ा दिया, कांस्टेंट पढ़ा दिया, वेरिएबल पढ़ा दिया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि पॉलिनोमियल की जो एक्सपोनेंट रहते हैं, मतलब घात जो रहती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, मतलब नॉन नेगेटिव फॉर्म में होती है। अगर कोई भी एक घात होगी तो वो नॉन नेगेटिव फॉर्म में होगी, ठीक है ना। जैसे कि ये है एक्स की पावर टू, तो एक्स की पावर टू का मतलब क्या है कि जो पावर है इसका एक्सपोनेंट है वो हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा, नॉन नेगेटिव फॉर्म में रहेगा कि नेगेटिव नहीं रहेगा। मतलब टर्म होने चाहिए, मतलब कॉन्स्टेंट और वेरिएबल, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। बहुपद भी होना चाहिए, बहुपद मतलब क्या है कि अलग अलग पद भी होने चाहिए, ठीक है, और नॉन नेगेटिव फॉर्म में भी होना चाहिए, और एट द एंड क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं, ये क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना, या तो मतलब कि जैसे कि आपका जो पॉलिनोमियल है या तो बढ़ते हुए क्रम में जाएगा या फिर घटते हुए क्रम में जाएगा। बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में मतलब कैसे, जो उसकी घात है एक्सपोनेंट है वो या तो बढ़ते हुए क्रम में आपकी मिलेगी या तो वो घटते हुए क्रम में मिलेगी। किस तरह से, नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर लिखा है एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके। अब यहाँ पर आप एक्स की घात देखिए, पहले वाले में टू आ रही है, दूसरे वाले में वन आ रही है, और तीसरे वाले में बिल्कुल खत्म हो गई। आया समझ में आपको, मतलब कि यहाँ पर आपके घटते हुए क्रम में एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है। ऐसे कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, कैसे, पहले मान लीजिए आपका वन लिख दिया, फिर एक्स की पावर और फिर एक्स की पावर टू, तो इस तरह से। तो कभी कभी ऐसे ही होता है कि घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में आपकी जब एक्सपोनेंट्स आते हैं, मतलब पावर्स आती हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो अभी तक हमने पॉलिनोमियल्स किस तरह पढ़ा, उंगलियों पे गिनते देखो क्या क्या चीजें पढ़ी। पहले हमने टर्म्स पढ़े, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, फिर हमने मैं क्या पढ़ा कि एक नॉन नेगेटिव फॉर्म में भी होनी चाहिए उसके एक्सपोनेंट्स, और हमने पढ़ा कि उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है। बस इतने जो था पॉलिनोमियल्स, आपने पॉलिनोमियल्स का पूरा सीख लिया है, मतलब पॉलिनोमियल्स के बारे में जितनी बातें थी आपने सीख ली है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स को थोड़ा साइड रख के आप थोड़ा मेन टॉपिक की तरफ पकड़ते हैं, मतलब मेन टॉपिक को जानते हैं कि एग्जैक्टली पॉलिनोमियल्स किस तरह से वर्क करते हैं, ओके। चलिए देखते हैं, ये बोल रहा है एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पॉलिनोमियल वेयर, तो एक स्क्वायर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे मैंने को बताया, तो ये पॉलिनोमियल है जहां पर ए बी सी आर रियल नंबर्स, तो जहां पर ए बी सी एक रियल नंबर है। मैंने क्या बताया, जो कि आपके कांस्टेंट होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर कभी भी चेंज नहीं हो सकते क्योंकि वो रियल है। आया समझ में, देखिए मैं आपको याद करवा देता हूँ, कांस्टेंट रियल होते हैं, वेरिएबल फेक होते हैं। जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे पर्सन होते हैं, कुछ रियल होते हैं कुछ फेक होते हैं, ऐसे ही आप समझ लीजिए कि जो कांस्टेंट है वो आपके रियल लाइफ वाले पर्सन है और जो वेरिएबल्स है सारे आपकी लाइफ के फेक पर्सन है, ठीक है ना। तो बस इस तरह से हम समझ सकते हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो रियल नंबर ए बी सी है यहाँ पे, मतलब मैं ए बी और सी की जगह कोई भी एक नंबर लिख सकता हूँ, ठीक है, मतलब आपका कोई भी एक नंबर हो सकता है ए बी सी की जगह, ओके। और वहां वहीं पर आपका जो है रियल नंबर्स एंड ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, तो एक्सपोनेंट एक्स के जो एक्सपोनेंट है वो सारे ही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इतना समझ में आ गया, रियल नंबर में इंटीजर पढ़ाया था, रियल नंबर वाली वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। इतना हमें समझ में आ गया, हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में सब कुछ सीख लिया। अब थोड़ा सा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स भी देख लेते हैं, उसके बारे में उसके प्रकार भी तो समझना जरूरी है। पॉलिनोमियल्स के प्रकार भी समझेंगे तो किस तरह से काम होगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेस पर देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए पहला है मोनोमियल, एक पद, एक पद का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दिया था अभी मैंने एक्स अपॉन वाई का, एक्स अपॉन वाई का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जब भी दो पद आपस में अलग अलग नहीं होंगे तो उनको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, तो उनको बोलेंगे क्या, उनको मोनोमियल बोलेंगे, बस मोनोमियल बोलेंगे, बस दैट्स इट, यही तो है। मोनोमियल क्या होता है, एक पद होता है जिसका एक पद मतलब दूसरा पद नहीं होता, जैसे कि 2x 2 5x³ - 5y² आप सोचेंगे सर आपने ये बोला था कि नॉन नेगेटिव फॉर्म में होना चाहिए, मैंने क्या बोला था, एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव फॉर्म में होना चाहिए। नंबर का क्या है, नंबर तो नेगेटिव है पॉजिटिव है, रियल नंबर है, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, पर जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव फॉर्म में होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। तो मोनोमियल समझ में आया, सेकंड टर्म पर आ जाइए, बाइनोमियल, बाइनोमियल का द्विपदी, ठीक है, बाइसाइकिल चलाई होगी ना, फिर बाइसाइकिल में कितने पहिए होते हैं, दो पहिए होते हैं, समझ सकते हैं द्विपदी, इस तरह से याद कीजिए। याद करने के तरीके बता रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा आपको। तो बाइनोमियल का जिसके दो पद होते हैं एटलीस्ट, तो मैंने पीएक्स फॉर्म में लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है ना, जिसके दो पद
कहने का मतलब यह है कि जिसकी घात मैक्सिमम दो होगी, मतलब वो दो से आगे नहीं जा सकता। मोनोमियल एक पद से आगे नहीं जाएगा, वो दो पद से आगे जाएगा। आया समझ में? देखिए देखिए, ठीक है, दो पद है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसे ही वाई की स्क्वायर फाइव प्लस वन। आ गया समझ में पूरा अच्छी तरह से? मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसके दो पद होंगे, टर्म्स के बेस पर देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, अभी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट्स भी देखेंगे। ओके, तो टर्म्स के बेस पर अगर समझ में आया, दो पद मतलब दो अलग अलग पद होंगे, यहाँ पर आपका बाइनोमियल है, एक पद होगा मोनोमियल है, और तीसरा टर्म है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल होते हैं थ्री पद, यहाँ पर तीन पद होंगे। तीन पद कैसे? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, ऐसा, या फिर अंडर रूट टू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो तीन तीन पद आ रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं तीन तीन पद आ रहे हैं, तो हमने इसको क्या बोल दिया? ट्राइनोमियल बोल दिया। आ गया समझ? ऐसी कोई भी चीज जो आपको डाउट लगी हो अभी तक, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं लगेगी, और अगर लगी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, इंस्टाग्राम आपके लिए खुला है, फेसबुक आपके लिए खुला है, जहां पर आप पूछना चाहिए आप पूछ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, ताकि आपके जो क्वेश्चन है मैं जल्दी से जल्दी आंसर दे सकूं। तो अभी अभी कीजिए बिल्कुल, आपका जो यूट्यूब है उसके अबाउट में जाकर आपको हमारा इंस्टाग्राम का और फेसबुक की चीजें मिल जाएंगी, अदरवाइज हमने लिंक में भी डाल रखे हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो हमें ये समझ में आया, बेसिस ऑफ टर्म्स के बेस पर हमने पहले मोनोमियल पढ़ा, फिर बाइनोमियल पढ़ा, फिर ट्राइनोमियल पढ़ा। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और थोड़ी सारी चीजें देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि पॉलीनोमियल्स के कुछ प्रकार होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, जैसे कि हमने देखा अभी पहले मोनोमियल देखा, बाइनोमियल देखा, ट्राइनोमियल देखा, ऐसे ही हम कुछ देखने वाले हैं और थोड़े से पॉलीनोमियल्स के प्रकार, किसके बेस पर? एक्सपोनेंट के बेस पर, उसकी डिग्री के बेस पर, या फिर आसान भाषा में बोलूं तो पावर्स बोलते हैं, एक्स पावर टू, एक्स पावर थ्री, इस तरह के, इस बेसिस पर हम देखने वाले हैं कि उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है ना, अभी हमने बहुत सारी चीजें जाननी है, और भी बहुत सारी चीजें आपको जाननी है, जिससे कि आपको चैप्टर बहुत ज्यादा इजी बनाने वाला हूँ, बहुत ज्यादा आसान बनाने वाला हूँ। अगर मैंने आपको कहा कि पॉलीनोमियल्स इस पूरी पूरी वीडियो पढ़ाऊंगा, तो एक ही वीडियो में आज मैं कवर करके जाऊंगा। ओके, तो देखते हैं, चलिए। तो पहला जो टाइप होता है वो आपको होता है लीनियर, या फिर कह सकते हैं हिंदी में रैखिक, रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसकी पावर एक तक सीमित होती है, मतलब मैक्सिमम पावर क्या होगी? एक होगी। कैसे? एक्स की पावर देखिए, एक्स की पावर वन, वाई की पावर वन, या फिर टी की पावर वन। मतलब क्या है कि इसकी जो पावर होगी, लीनियर पॉलीनोमियल की जो पावर होगी, या तो वो जीरो हो सकती है या फिर वन हो सकती है, पर वन से ज्यादा नहीं हो सकती, वो वहीं पर सीमित है। आ गया समझ में पूरी अच्छी तरह से? उसके बाद दूसरा देखते हैं, क्वाड्रेटिक, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद कौन से होते हैं? जिसकी घात दो तक सीमित होती है, दो तक सीमित होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। आप सोचेंगे सर यहाँ पर तो नहीं है, मैंने क्या कहा? हाइएस्ट दो होनी चाहिए, मिनिमम कितनी भी हो जाए। मिनिमम क्या होगी? जीरो, वन, टू, इसकी ये घातें हो सकती हैं। आ गया बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में? ठीक है ना, कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका जो सभी घातिक पद होगा, जैसे कि रैखिक होगा, द्विघाती होगा, त्रिघाती होगा, तो उतने तक ही सीमित होगा, उससे कम हो सकता है पर उससे ज्यादा नहीं जाएगा। इस बात को अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। और हाँ, एक बात को और समझ लीजिए, इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज्यादा आ रहा है, मैं 2021 की बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो ज्यादा आने वाले हैं। आपको क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है चीजों को। ठीक है, तो देखते हैं। अब तीसरा नंबर आता है हमारा त्रिघाती, मतलब क्या है? क्यूबिक पॉलीनोमियल, त्रिघाती बहुपद। ठीक है ना, हिंदी वाले के लिए समझा रहा हूं, तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए हमारा जो हिंदी वाला है कि हमारे लिए वीडियो नहीं बने। जी बिल्कुल, आपके लिए भी ये वीडियो है, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, आईसीएसई, सबके लिए वीडियो है ये। ओके, तो त्रिघाती मतलब एक्स की पावर मैक्सिमम तीन होगी, तीन, ठीक है ना, मतलब तीन हो सकती है या तीन से कम हो सकती है, मतलब कितने बन सकते हैं? या तो पहले तीन, सॉरी, जो तीन तो रहेगी रहेगी, ठीक है ना, जीरो, वन, टू और थ्री, तो ये इसकी पावर्स हो सकती है, इससे आगे ये नहीं जाएगी। बिल्कुल आ गया समझ में आपको अच्छी तरह से? आपको ये बहुत सारी चीजें समझ में, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट्स। चलिए कुछ और बातें करते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी ये रखी, या फिर ये जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म रखी है कुछ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉन्स्टेंट के बेस पर जीरो रख देता हूँ। जीरो भी तो एक नंबर है, मैंने पढ़ाया था आपको रियल नंबर में, आपको समझ में आया, जीरो भी एक नंबर है, जीरो एक आपका होल नंबर होता है। ठीक है, तो जीरो रख देता हूँ जहां पर भी कॉन्स्टेंट टर्म आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर फोर आ रहा है, फाइव आ रहा है, टू आ रहा है, अंडर रूट टू आ रहा है, या फिर टू फाइव, या फिर ऐसी जगह पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये वाली जो सीरीज है आपकी, यहाँ पर मैं हर जगह क्या करता हूँ, जीरो रख देता हूँ, जहां पर नंबर आ रहा है, जैसे कि टू, फोर, फाइव, सेवन, यहाँ पर मैंने क्या, जीरो रख दिया। तो
सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x की जगह कोई भी नंबर होगा, कोई भी मैंने एक्सपोनेंट लग दिया कि x की जगह मान लीजिए हमने 2 रख दिया, तो 0 से मल्टीप्लाई तो 0 0 0 और सबको 0 रहेगा क्योंकि ये भी हमारा 0 होगा। मैंने कहा कांस्टेंट के बीच में 0 रख रहा हूं मैं, तो हार्डली का 0 हो गया। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, मैंने क्या बताया था, एक टर्म होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जीरो पॉलीनोमियल शून्य बहुपद, तो वही चीज तो होती है जीरो पॉलीनोमियल, यही होता है। आ गया बिल्कुल समझ में। अब जीरो की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है मुझे ये भी बता दीजिए। मैं आपसे क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आपने थोड़ा बहुत जानकारी पाई है अगर पॉलीनोमियल के बारे में, वापस करके अगर सर जानकारी पाई होती तो वीडियो थोड़ी ना देख रहे होते। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, जानकारी नहीं पाई है तो मैं ही बता देता, नॉट डिफाइंड होती है जीरो की मैक्सिमम डिग्री, नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, बहुत सारी चीजें हमने समझ ली है, थोड़ी बहुत चीजें और बाकी है। अब देखिए जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.1 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो थोड़ी अटेंशन दीजिएगा इस चीज पर और मेरा साथ भी दीजिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैंने अभी तक आपको पॉलीनोमियल्स के प्रकार मतलब टाइप्स के बारे में बताया, इन द बेसिस ऑफ टर्म्स, इन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट्स और डिग्रीज। अब मैं आपको जीरो पॉलीनोमियल्स निकालने के लिए बताता हूँ कि जीरो पॉलीनोमियल्स को फाइंड कैसे करते हैं या फिर पॉलीनोमियल्स के जीरो किस तरह से फाइंड करते हैं। बेसिकली हमें जीरो निकालना मतलब रूट निकालना या फिर सॉल्यूशन निकालना, क्वेश्चन में गिवन होता है ना फाइंड द जीरो या फिर रूट या फिर सॉल्यूशन ऑफ द पॉलीनोमियल्स इस तरह से। तो मैं अभी आपको वो निकालना बताता हूँ और ये जरूरी होगा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस के लिए भी, क्योंकि आपकी जो 2.1 एक्सरसाइज है उसमें सारे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस है, तो उसमें इस पर मैं आपको जीरो निकालना बताऊंगा और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उस चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। ठीक है चलिए देखते हैं। तो मैंने अभी यहां पर क्या किया, एक लीनियर पॉलीनोमियल ले लिया, अभी मैंने बताया था ना याद होगा आपको लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तीन पॉलीनोमियल मैंने आपको बताए थे, तो उसमें इस पर अगर हम देखते हैं समझते हैं तो मैंने ये लीनियर पॉलीनोमियल ले लिया किस बेस पर, क्योंकि एक्स की पावर 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 मानते हो ऑब्वियसली। ठीक है 2 होती तो क्वाड्रेटिक हो जाता, थर्ड होती तो क्यूबिक हो जाता, आ गया समझ में। ओके तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि x की जगह कोई ऐसी नंबर रखना है जिससे कि ये जो पूरा लीनियर पॉलीनोमियल है उसकी वैल्यू 0 बन जाए। ठीक है ना, तो ऐसा कोई नंबर, तो हमने यहाँ पर देखा ऑब्जर्व करिए थोड़ा सा -2 लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ प्लस का 2 लिख दूं तो प्लस माइनस कट गए 0 आ गया। ठीक है हमारा आंसर आ गया, तो मतलब पी और ब्रैकेट में यहाँ पर एच 2 रखा 2 माइनस 2, तो हमारा क्या आंसर आ गया 0। ठीक है हमें 0 तो लाना था, ऐसे क्या करते हैं एक बार y में भी देख लेते हैं y। ठीक है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, हमने भी क्या रखी थी वैल्यू x की 2 रखी थी, यहां पर भी सेम करेंगे 2 माइनस 2 0 आ गया समझ में अच्छी तरह से। अब जो ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे कैसे करते हैं वो समझेंगे, और मैं आपको पहले से दो चार चीजें क्लियर कर देता हूं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका कोई पॉलीनोमियल लीनियर है तो उस पे अगर हम ग्राफ में बनाते हैं, ग्राफ में कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सिंगल लाइन मतलब एक बार ये एक्स एक्सिस को टच करेगी, क्वाड्रेटिक है तो 2 बार एक्स एक्सिस को टच करेगी, और क्यूबिक है तो 3 बार एक्स एक्सिस को टच करेगी। समटाइम्स एक्स लाइन जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं करती है, दैट इज 0 पॉलीनोमियल्स। आ गया समझ में, थोड़ा ये मोटा मोटा तो ऊपर समझा दिया मैंने आपको, डीपली समझाता हूँ करके बताता हूँ, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है तो करके देखते हैं एक बार, हम क्या करते हैं यहाँ पर ना एक लाइक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं, हमने इसको एक्स बनाया, इसको वाई बनाया, इसको एक्स नेगेटिव, इसको वाई नेगेटिव, ऐसे तो बताए ग्राफ आपका। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आपको थोड़ी सी गिवन डेटा बता देता हूँ कि किस तरह से इस तरह से वर्क चलेगा हमारा। ठीक है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं एक्स और वाई मान लेते हैं एज यूजुअल, एक्स और वाई माना। तो अब जैसे कि मैंने मान लीजिए मुझे एक्स को अगर मैंने एक्स यहाँ पर 2 रखा, ठीक है मान लीजिए मैं यहाँ पर एक्स को 0 रखता, एक्स को मैंने 0 रख लिया। ठीक है तो अब यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो -2 आ जाएगी, क्योंकि 0 - 2 = -2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। ठीक है ना, ये सॉरी यहाँ पर नहीं यहाँ पर, ओके y की वैल्यू -2 आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं इसको 2 रख देता हूं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है ना, मतलब एक बार अगर x 0 होता है और y हो जाएगा -2, एक बार y 0 हो जाता है तो x हो जाएगा 2। ठीक है ना, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y 0 बन जाएगा, इतना ही तो कहना चाह रहा था मैं यहाँ पर। यही मैंने आपको यहाँ पर समझाया किस तरह से मैं ग्राफ में डिसाइड करूं। अब मैं ग्राफ में कैसे बताऊंगा, देखिए एक चीज और समझ लीजिए, जो भी आपका 0 होता है, जैसे मैंने आपका 0 क्या निकाला, 2 निकाला था, 0 रूट या सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ भी लिखा हुआ है। अब हम ये मत कहिए कि सर हमारे एग्जाम में रूट आ गया था सॉल्यूशन आ गया तो हम करके नहीं आए छोड़कर आ गए, नहीं,
रूट आ जाए, सॉल्यूशन आ जाए या फिर जीरो निकालने को आ जाए, तीनों एक ही बात होती है, एक ही टर्म होता है। ठीक है, जीरो कहते हैं अगर टू था हमारा, जो हमने क्योंकि टू रखा था तो जीरो हमारा टू था, तो कहां पर डिपेंड करेंगे, एक्स एक्सिस पर डिपेंड करेंगे। देखिए सारा काम एक्स एक्सिस का है, अगर उस पर होता है तो इक्वेशन है, नहीं होता है तो जीरो है। अगर समझ में, किस तरह से मैं आपको चीजें बताता हूं, पहले अगर ये बोल रहा है कि x 0 है तो y जो है माइनस 2 हो जाएगा, तो x मतलब हमारे यहां से शुरू होता है तो x 0 ही है, मतलब ये 0 है, इधर बढ़ेगा घटेगा इस तरह से काम चलता है आपके, तो x 0 है, तो जो y होगा वो 1 2, तो माइनस का 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी वो किस तरह से हो जाएगी, y जो होगा आपका क्या हो जाएगा 0 और माइनस का 2, इस तरह से हो जाएगा जो आपके रिप्रेजेंटेशन है, हमने यहाँ पर मार्क कर दिया ये। आ गया समझ में, ऐसे ही सेकंड है कि अगर x 2 होगा तो y 0 हो जाएगा, x गिनते हैं 1 2, तो यहाँ पर 2 है और y जो है 0 है, क्योंकि वो ना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्योंकि y 0 है, तो ना इधर की तरफ जाएगा ना इधर की तरफ जाएगा, इसलिए हम यही पे लिख देंगे 0 and 2। ठीक है, तो ये एक पॉइंट लगे यहाँ पर। अब देखिए, अब आप इस चीज को, इस लाइन को इससे टच कर सकते हैं और ये इक्वल लाइन बन जाए। आ गया समझ में, अब हमने यहाँ पर देखा था कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब कि जिसका जिसकी एक्सपोनेंट, जिसकी जो पावर होगी वो एक होती है, किसकी वेरिएबल की, मतलब x की वैल्यू एक होती है। ठीक है, और यहाँ पर भी x की जो, मतलब जो लाइन जा रही है वो x वाले एक्सिस को सिर्फ एक बार टच कर रही है। आ गया समझ में अच्छी तरह से, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो x वाली लाइन है वो एक बार टच कर रही है, तो ये लीनियर इक्वेशन आपका बन जाता है। जैसे कि आपकी बुक में गिवन है, अगर मैं आपकी बुक में गिवन बताता हूँ कि अगर इस तरह से किया जाता है कि एक लीनियर इक्वेशन, मतलब कोई भी यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो अपने इक्वेशन से वो ज्यादा नहीं जा सकता, उसकी एक लिमिट होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया उसकी जो सिस्टम निकल सकते हैं तो 0 या फिर 1 से ज्यादा नहीं होगा। आ गया समझ में, कहने का मतलब मेरा ये है कि बेसिकली कि जैसे अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक कर लेते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक कर लेते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो x को वो कुछ इस तरह से, ठीक है ना, या फिर ऐसे भी कुछ, ये आपके पैराबोलास बन जाते हैं। ठीक है ना, पैराबोलास मतलब, कहने का मतलब जब भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो ऐसे कुछ पैराबोलास बन जाते हैं, आपकी बुक में गिवन है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से पैराबोलास बन जाते हैं। ऐसे अगर हम बात करें क्यूबिक की, तो क्यूबिक में भी कुछ इस तरह से आपके रिप्रेजेंटेशन बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर ये मिटाकर आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो लाइक दैट हम अगर ऐसे बनाना चाहें, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, तो यहाँ पर मतलब आप देख सकते हैं, इस चीज को मिटा देते हैं, चार बार हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 2 और 3, तीन बार उसने एक्स एक्सिस को टच कर लिया, मतलब क्या ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है। ठीक है ना, कहने का मतलब यह है कि एक्स एक्सिस को जितनी बार वो लाइन टच करेगी उतनी बार ही वो पॉलीनोमियल माना जाएगा। एक बार तो लीनियर, दो बार तो क्वाड्रेटिक, तीन बार तो क्यूबिक। सिंपल सा पढ़ना है, सिंपल सी चीजें हैं, मैंने आपको बहुत ज्यादा इजी तरीके से समझा दिया और आपके आई थिंक समझ में आ भी गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, इंस्टाग्राम खुला हुआ है, फेसबुक खुला हुआ है, जहां पर आपको लगता हो कि आप अपने डाउट पूछने में आप कैपेबल हैं वहां पर आप पूछिए। हमारी वेबसाइट, हमारी जो लाइक टीम है वो आपके लिए 24 घंटे वर्क करती रहती है। ओके, तो आपको इतना टॉपिक समझ में आया, आपका पॉलीनोमियल का जो सारी ऊपर ऊपर की चीजें थी वो मैंने समझा दी, अब हम बढ़ेंगे मेन एक्सरसाइज की तरफ। कहने का मतलब ये है कि आपने ऑलमोस्ट पॉलीनोमियल चैप्टर खत्म भी कर दिया। कह रहे हैं कि सर आपने तो अभी शुरू भी नहीं करवाया, अभी तो अभी तक आप ऊपर ऊपर की चीजें बताते। देखिए अब आप एक्सरसाइज करेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि आप इतनी चुटकियों में एक्सरसाइज को खत्म करने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, चलिए देखते हैं और बढ़ते अपनी एक्सरसाइज। तो बढ़ते हैं अपनी मेन एक्सरसाइज की तरफ। अभी तक जो भी हमने बातें की, जो भी हमने समझा कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, पॉलीनोमियल्स के प्रकार क्या होते हैं, जीरो पॉलीनोमियल्स कैसे होता है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस कैसी होती है, वो सब आपके काम आने वाली है। जी हाँ, मैं एक भी चीज वेस्ट नहीं होने दूंगा, एक एक सेकंड आपका मैं कीमती बनाने वाला हूँ यहाँ पर। आपने जो भी अभी तक मुझे टाइम दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बस थोड़ी सी वीडियो बची, आप पूरा पॉलीनोमियल चैप्टर खत्म करने वाले हैं। चलिए देखते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व, खत्म हो गई है, वो सॉल्व हो गई है। अब कहेंगे सर आपने शुरू भी नहीं करवाई, शुरू नहीं करवाई मैंने, खत्म भी करवा दिए, किस तरह से। चलिए एक्सरसाइज के 2.1 के क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है कि द ग्राफ y is equal to px are given in the below for some polynomial, find the number of the zeros px in each case। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ द जीरोस फाइंड करने।
मैंने क्या बताया था आपको कि जीरो किस तरह से फाइंड करते हैं, जितनी लाइन एक्सिस को टच करेगी उतने ही इक्वेशंस होंगी, उतने ही हमारे जीरो होंगे। अगर एक्स को टच नहीं करेगी तो जीरो, एक बार टच करा तो वन, दो बार टच करा तो दो, तीन बार टच करा तो तीन, और जितनी बार टच करेगी उतनी बार आपके पॉलिनोमियल्स बनते चले जाएंगे। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपका वन का वन ही दे रखा है उसमें एक बार भी जो लाइन है एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही तो उसमें जीरो की संख्या जीरो हो जाएगी। सेकेंड वाले में आप देख सकते हैं एक बार टच कर रही है तो जीरो संख्या होगी वन, दूसरे वाले में दो बार टच कर रही है तो दो, थर्ड वाले में भी दो बार टच कर, फोर्थ वाले में टच कर रही है तो दो, ठीक है ना, फिफ्थ वाले में वन टू थ्री फोर, फोर टाइम्स कर रही है तो फोर, ओके। ऐसे ही सिक्स वाले में भी वन टू और थ्री, थ्री बार टच कर रही है, ठीक है, सारे सॉल्व हो गए। आपको जीरो ही तो पता लगानी थी, मैं कहा था कि आपका एक एक टाइम में कीमती बनाने वाला हूं, एक एक टाइम की आपकी वैल्यू दूंगा मैं, जो भी आपने मुझे अभी तक दिया है, जो भी मैंने आपको समझाया है आपको सब काम आ रहा है। आपने देखिए बैठे बैठे आपने मतलब खड़े खड़े ही दो मिनट में आपने पूरी 2.1 एक्सरसाइज कब सॉल्व कर दी आपको पता भी नहीं चला, मैंने इसलिए जो आपका सॉल्व लिखा हुआ है मुझे कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, तो आपने ही किया, मैंने नहीं किया कुछ भी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आपने ही जादू कर दिया, आपने ही सॉल्व कर दी। हम लोग बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2 की तरफ, तो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। देखिए अभी तक आपने 2.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली, इतना सारा सीख लिया, तो लाइक तो बनता है इस वीडियो को, तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। तो ठीक है, अब अपनी 2.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो ये बोल रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो पहले हमें क्या करना है, जीरो फाइंड करने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एंड उसके बाद हमें उसके जीरोस में और उसके कोएफिशिएंट में एक रिलेशनशिप बताना है कि उसके बीच के क्या रिलेशनशिप है, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी चीजें हैं, हम बहुत आराम से करेंगे चीजों को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मैंने बता रखा था स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब घटते हुए क्रम में आ रही है, एक्स का स्क्वायर है, फिर एक बार एक्स है, फिर एक्स खत्म हो गया है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से। देखिए मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ क्या करेंगे, ऐसी इक्वेशन में पहले इस 8 की इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, मतलब ये वाला जो नंबर है इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई मतलब x की वैल्यू तो 1 ही होगी, तो 8 बनता 8। अब 8 के कुछ ऐसे फैक्टर करेंगे हम कि ये माइनस या प्लस करके हम 2 ले आए, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए और माइनस प्लस करके 2 आना चाहिए। तो सीधी सीधी बात है एलसीएम ले लेते हैं, 8 का एलसीएम, ठीक है ना। यहाँ पर हम मैंने क्या किया, 8 का एलसीएम ले लिया, जैसे 2 से काटा पहले, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो कुछ इसके ये फैक्टर आ गए। अब मैंने देखा कि मुझे या तो मुझे मल्टीप्लाई करके 8 तो लाना पड़ेगा, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करके 8 तो आ जाएगा सीधी सी बात, क्योंकि 8 के फैक्टर है, पर प्लस माइनस करके 2 कैसे आएगा वो मिस्टेक है, यहाँ पर वो चीजें देखनी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 2 2 4 और 4 2, 2 आ गया, जी बिल्कुल आ गया, 2 तो अल्लाह ने कहा हमें, तो 2 आने को था, तो किस तरह से 4 2 8 और 4 2 2 आ गया, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ऐसी कैसे रखेंगे, इस माइनस को और एक्स को ऐसे कैसे रखेंगे, ये वाला एक्स मैंने यहाँ पर रख दिया, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, 4 2 और माइनस का 8, आ गया समझ में आपको, मैंने इस तरह से किया, इस एक्स को बाहर रख लिया और 2 को लिख लिया मैंने 4 2, बात तो एक ही है, ठीक है ना। चलिए आप अंदर बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर ऐसे तो ऐसे जाएगा, इस एक्स माइनस के एक्स माइनस के 4 प्लस के 4 मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस के 2x और ये माइनस का 8, आ गया होगा समझ में। एक बार और देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे कैसे रखा, इस माइनस के x की इस प्लस के 4 मल्टीप्लाई की, तो माइनस का x और प्लस के 4, तो माइनस प्लस माइनस, आ गया समझ में। ऐसे ही माइनस के x की माइनस के 2 मल्टीप्लाई की, तो माइनस माइनस प्लस के 2x, बिल्कुल अच्छे से आ गया, ऐसे माइनस का 8 ऐसे कैसे है। अब हम क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बना लेते हैं, ठीक है, और उनमें से कुछ कॉमन निकालते हैं, दो दो के जोड़े इस तरह से बना लिए और इस तरह से बना लिए, अब इनमें से कॉमन निकालेंगे, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सीधी सी बात है एक्स ही आ रहा होगा, तो एक्स ही कॉमन निकाल लेते हैं। हमने क्या किया, एक्स कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बचा एक्स माइनस 4, ठीक है, यहाँ पर हमने एक्स कॉमन निकाल लिया और एक्स माइनस 4 बचा, यहाँ पर से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 2 4 8, 2 कॉमन आ रहा है ना, दोनों में से 2 आ रहा है, तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर भी क्या बचा एक्स, और 8 में से 2, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस का ऐसी का ऐसी,
मैंने कुछ नहीं किया, बहुत सारी सिंपल चीज है जिसे बच्चों को समझ में नहीं है, एक बार और देख लेते हैं कैसे। मैंने यहाँ से टू कॉमन निकाला, तो मतलब टू दोनों में से कॉमन निकाला ना, तो एट में से एट का एट कॉमन निकाले, मतलब एट को टू से डिवाइड करेंगे तो फोर ही आएगा। मैंने बस वही किया है। अब जो चीज कॉमन आई है उनको एक बार लिखते हैं और बाहर वाली चीजों को एक बार लिखते हैं। तो एक बार हो जाएगा हमारा x माइनस फोर और एक बार हो जाएगा हमारा x प्लस टू, हो गया ठीक है। तो हमने ये क्या कर लिए, ये हमने इसके कुछ जीरो निकाल लिए, इनको जीरो के बराबर रख लेते हैं। देखो जीरो के बराबर रखेंगे तो किस तरह से रखेंगे, x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू फोर, ठीक है। ऐसे ही x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस के टू, ठीक है ना। इस तरह से आपने इनके क्या निकाल लिए, आपके फोर और माइनस टू, ये इनके दो जीरो निकल गए। आगे बस इतना समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा इसमें तो बिल्कुल भी। ओके अब हमें क्या करना है, पहले जीरो निकाल लेते हैं, जीरो निकाल लिया हमने क्वेश्चन के। अब हमें क्या करना है, उसके जीरोज में और उसके कोएफिशिएंट में हमें क्या करना है, संबंध बताना है या रिलेशनशिप बताना है। ओके रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। तो किस तरह से हम किस वर्क करते हैं, हमें दो चीजें दी गई होती है। पहले क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे सम ऑफ जीरोस होते हैं, और इसके बाद होते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इनटू बीटा। क्लियर हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसे तो मैंने इसमें कुछ किया ही नहीं। ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म की चीजें होती है जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू जीरो, इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। आप अगले वाले चैप्टर में इस चीज को अच्छे से समझेंगे, अभी हमें दो चीजें गिवन है। ओके अब ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इनटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ओके एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें ए की वैल्यू मतलब ए ये वाला, ओके ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू माइनस के टू, ये वाला भी साइन लेना है, साइन भी लेना है ध्यान रखिएगा, और सी की वैल्यू है माइनस के एट। इस तरह से हम वैल्यूज को फाइंड करते हैं। आ गया समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बिठाना है, बहुत आराम से बिठा सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, मतलब क्या दे रखे, आपको दो जीरोस दे रखे हैं, एक अल्फा है एक बीटा है। हमें किस तरह से रखे, फोर माइनस टू, तो अगर हम क्या करते हैं, पहले सम करते हैं, फोर प्लस माइनस टू और वैल्यूज रखते हैं। तो माइनस बी, पहले देखिए माइनस बी की वैल्यू माइनस टू तो थी ही थी, पर उसके पास भी तो अपना एक माइनस है, तो मतलब माइनस माइनस के टू, इसी तरह से लिखेंगे जी बिल्कुल। अपॉन में क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे, वन लिख दिया, क्लियर हो गया चीजें, ठीक है। ऐसे हम अल्फा बीटा के लिए करेंगे, अल्फा बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा की हो, तो हमारे दो जीरो से फोर और माइनस टू, फोर इंटू माइनस के टू, क्लियर हो गया। ऐसे ही यहां पर क्या रखेंगे, सी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू यहां से माइनस का एट, उसके बाद उतना माइनस नहीं है ध्यान रखिएगा, तो सीधी सीधी बात है माइनस का एट लिखेंगे और ए की वैल्यू अपॉन में वन लिखेंगे। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर उसके जीरो कोफिशिएंट मतलब होता है उसके साथ वाला, तो साथ वाला जीरो के मतलब जो उनके अपनी जीरो के साथ वाले जो है मतलब कांस्टेंट के साथ वाले जो एक्स हैं वो उनके बराबर होने चाहिए, मतलब कि जो कहने जा रहा है कि सम ऑफ द जीरो उसके कोफिशिएंट और उसका जो जीरोस हैं वो इक्वल होने चाहिए, उनमें रिलेशनशिप होना चाहिए कि हाँ वो दोनों समान है इक्वल है। आई बात समझ में, हम वही करने वाले हैं। तो अभी इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं, इस चीज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इस चीज को भी फिलहाल के लिए रफ कर देंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे देन प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे। ओके तो फोर प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का टू दैट इज, एंड ये माइनस माइनस प्लस का टू, तो ऐसे और नीचे का मान ऐसे कैसे, ठीक है। अब फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू और ये भी टू, तो सीधी सीधी बात है सम तो एकदम इक्वल आ गए, सम और सम जो सम का जीरो है ना उन दोनों में रिलेशन बैठ गया, वो बिल्कुल इक्वल है, हमारा क्वेश्चन सही है। अगर ये इक्वल नहीं बैठते हैं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, इस बात को समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। तो हमने सम को तो हमने इक्वल बिठा लिया, एक बार प्रोडक्ट और देख लेते हैं कि प्रोडक्ट हम इक्वल बिठा पाते हैं नहीं बिठा पाते। अगर प्रोडक्ट भी इक्वल नहीं, अगर प्रोडक्ट इक्वल आ जाता है तो क्वेश्चन ठीक है, नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या था हमारा, हमारे जीरोस हैं फोर इंटू माइनस टू, क्योंकि हम अल्फा बीटा कर रहे हैं तो ये अल्फा है ये बीटा है। ओके सी अपॉन ए कितना है, माइनस एट अपॉन ए, आई बात समझ में। तो 4 इंटू टू तो माइनस का 8, 4 टू 8 और माइनस का माइनस,
और नीचे वाले वन की तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो इधर भी माइनस ही है, तो ये भी हमारे इक्वल आ गए। लाइक कर दीजिए वीडियो को, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हलवा क्वेश्चन है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आई होगी। तो आपका ये रिलेशनशिप भी बैठ गया, आपने जीरो भी निकाल लिए, आपने क्वेश्चन भी निकाल लिए, आपका आंसर यहीं पर समाप्त हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है। देखिए अगर आप कुछ सब्जेक्ट टीचर जो है, स्कूल वाले टीचर जो है, अगर वो कुछ और तरीके से कराते हैं तो आप वो मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको ये मेथड बता दिया, बहुत ज्यादा इजी है, ये वाला अपना लीजिए, मेरे हिसाब से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस मेथड को अपनाने में, इसमें कोई कमी नहीं है। बट अगर आप इंटरनल एग्जाम दे रहे हैं अपने स्कूल्स में, तो आपके टीचर जो मेथड फॉलो करने के लिए कहते हैं, तो आप वही फॉलो भी कर सकते हैं। ओके तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने एक और क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही क्वेश्चन जो है शुरू की, लाइक सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप कवर कर सकते हैं। मैं एक इसी के मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करा देता हूं ताकि आप समझ जाएं। ठीक है, जल्दी से बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि मैंने बताया आपको, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया, सेकंड थर्ड आप आराम से कर लीजिए, फोर्थ भी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। अभी तक हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे थे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस नंबर इज इक्वल टू जीरो, इस तरह के हम एक लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे थे। अभी हमारे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज हो गई है, मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म वही रहेगी बट हमें क्वेश्चन चेंज दे दिया, हमें क्वेश्चन चेंज दे दिया कि किस तरह से करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से होती है। लाइक हम इस तरह से पढ़ रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसी तरह से तो पढ़ रहे थे अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लेते हैं कि है हमारे पास नहीं है। देखो पहले देखा टी स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर वाली है, तो पहले फर्स्ट वाला हमारा मैटर तो है, एक्स वाला हमारे पास मैटर है। ओके, उसके बाद दे रखा बी एक्स, एक बार एक्स मतलब यहाँ पर टी कहीं पर गिवन नहीं है। ठीक है ना, तो मतलब ये बी वाला मैटर जो है हमारा गायब है, बी वाला मैटर हमें नहीं दिया गया। सी मतलब कोई एक नंबर 15 हमें दिया गया है, तो मतलब हमें ए दिया हुआ है और सी दिया हुआ है पर बी गिवन नहीं है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कोई भी डाउट नहीं है, तो और भी ज्यादा हलवा क्वेश्चन है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं किस तरह से सॉल्व करता हूं। इसे मैंने क्या किया, इसको तो टी स्क्वायर को ऐसी का ऐसी रखा। ओके, और इसको मैं कर देता हूं अंडर रूट 15 का स्क्वायर। आप पूछेंगे सर आपने ये क्या किया, कुछ नहीं किया मैंने, ये छोटी सी सिंपल सी ट्रिक है। देखिए मैथ्स क्या कहती है कि आप मुझे तोड़ मरोड़ लो, उल्टा सीधा लिख दो, बट जो मेरे मतलब मेरा जो नंबर है, मेरी जो संख्या है, मेरी जो वैल्यू है, वो कभी नहीं बदलनी चाहिए। आप मुझे तोड़ लो मरोड़ लो, आप 5 को 2 प्लस 3 लिख दो या फिर 8 माइनस 3 लिख दो, बट मेरी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। आया बात समझ में? तो मैंने भी यही किया कि मैंने 15 को इस तरह से लिख दिया कि उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, और मैंने लिख भी लिया किस तरह से। देखो स्क्वायर से अंडर रूट कटता है, आपको ये बात तो पता होगी, अंडर रूट इंटू अंडर रूट मतलब अंडर रूट कैंसिल, इस बात को आपको ये बात आप जानते होंगे अच्छी तरह से कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो बचेगा तो 15। मैंने कुछ चेंज तो नहीं किया, मैंने बस सिंपल सी ट्रिक लगाई, बट यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला बना लिया। कौन सा फॉर्मूला बना लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। जी हाँ बिल्कुल सही, हम यहाँ से जीरो फाइंड कर जाएंगे। जीरो किस तरह से फाइंड करेंगे, एक बार प्लस में टी प्लस अंडर रूट 15। ओके, और एक बार माइनस में टी माइनस अंडर रूट 15। जीरो फाइंड हो गए, इनको जीरो के बराबर रख दो। एक बार टी इज इक्वल टू टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू जीरो होगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट 15, और एक बार टी माइनस अंडर रूट 15 होगा इज इक्वल टू जीरो, तो टी की वैल्यू आ जाएगी प्लस की 15। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत सारी नॉर्मल चीजें होती हैं ऐसी। तो हमने जीरो भी फाइंड कर लिए, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, पता नहीं जरूरत नहीं, आप इंटेलिजेंट बन चुके हैं, आपने सीख लिया चीजें, अब आप खुद करेंगे ये चीजें, मैं नहीं करवाऊंगा आपको चीजें, आप खुद करेंगे चीजें। किस तरह से करेंगे देखिए, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, तो मतलब अंडर रूट माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, अल्फा प्लस और अंडर रूट 15 क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बट सर यहां पर तो बी की वैल्यू है ही नहीं, बी कहां गया, बी तो हो गया, बी है ही नहीं, तो हम कहां से निकालेंगे माइनस बी अपॉन ए, तो बी है नहीं तो क्या रखेंगे, जीरो रख देंगे। जब बी हमारे पास गिवन ही नहीं है तो हम क्या रखेंगे, देखिए कोई वेरिएबल होता तो हम वन रखते, पर जब कुछ है ही नहीं तो क्या रखा जाएगा, जीरो। जी बिल्कुल जीरो रखेंगे, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -15 है और बी की वैल्यू
जीरो है। जी हाँ बिल्कुल, तो इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, जीरो अपॉन वन। बस सॉल्व करके देख लीजिए, माइनस का अंडर रूट 15 प्लस का अंडर रूट 15 आपस में कट गए, क्या आ गया जीरो, इज इक्वल टू में क्या है जीरो, रिलेशनशिप सॉल्व हो गया, कितना इजी था। ठीक है अल्फा इंटू बीटा करके देखते हैं, अल्फा माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, क्लियर है। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है माइनस 15 और इसकी वैल्यू है 1। ठीक है अब हमने क्या पढ़ा था, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है, अंडर रूट कट गया, यहां बचा 15 वो भी माइनस का, और यहां भी क्या है अंडर रूट 15 माइनस का, रिलेशनशिप सॉल्व हो गया, आपका आंसर निकल गया, आप बिल्कुल सीख गए हैं, आप सिखा भी सकते हैं, आप सीखे नहीं आप सिखा भी सकते हैं, आप तो किसी को भी बता सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है, हमने सीख लिया है अब हम कर भी सकते हैं सॉल्व, तो आगे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, मेरा काम है रास्ता दिखाना, आपके ऊपर आपका काम है उस पर चलना। ठीक है तो जल्दी से बढ़ते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट की तरफ, चलिए तो बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, अभी तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था, अब इसको देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। ये बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द सम ऑफ देयर जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोस ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव जीरोस रिस्पेक्टिवली। बेसिकली मैं सम एंड प्रोडक्ट दे रखे हैं जीरोस के, हमें उसको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स में उसको कन्वर्ट करना। ओके okay, अभी तक हम यहाँ पर निकालते थे, अब हमें गिवन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अब तो बहुत आसान काम हो गया हमारा, अभी हमने अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए करके निकाला था, अब हमें निकालना दे रखे हैं, अब तो हमें वैल्यू पुट अप करनी है, किस तरह से करेंगे देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं बता देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4, ऐसे ही अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू दे रखी है -1, चीज है। ठीक है ना, तो कहने की बात यह है कि अगर हम जिसे देखते हैं तो इसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए और इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। ठीक है तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 1 और ए की वैल्यू दे रखी है 4 और सी की वैल्यू दे रखी है 1, यहां पर भी मैं 4 लिख सकता हूं, कोई गड़बड़ है क्योंकि ए की वैल्यू हमने यहां से देख ली है 4 है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन किस तरह से बनाते हैं देखिए, एक्स स्क्वायर ठीक है ना, b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू यहां पर 1 है तो मतलब माइनस के 1 लिखेंगे 1/4, सीधी बात हो गई। ओके और c की वैल्यू क्या है, माइनस के 1/4 इज इक्वल टू 0, यहां पर x भी आता है 0। ठीक है ना, कहने की बात है कि यहां पर अल्फा प्लस बीटा और यहां पर अल्फा इंटू बीटा, हमारा जो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, इस तरह से तो करना है, तो अल्फा प्लस बीटा की मैंने वैल्यू यहाँ पर रखी, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर रखी और माइनस था तो माइनस लगा दिया। ओके इस तरह से मैंने आपको एक इक्वेशन बनाकर दिखाई, इस तरह से तो आप इसको सॉल्व करके देखना क्योंकि हमें एलसीएम लेना है, बेसिकली एलसीएम जरूरी है। ठीक है इसके नीचे ये नहीं था, ओके हमने ए को बेस मान के बताया था, तो हम क्या करते हैं ये 4 इसके नीचे एलसीएम 4 आ गया, यहाँ पर क्या करेंगे इसके पास नहीं था तो 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है अब ये जो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 1, ठीक है ना, और इसके साथ ये एक्स ऐसी का ऐसी है, ये वाला एक्स और इसके पास 4 नहीं था तो ये इसके पास भी आ जाएगा इज इक्वल टू 0, अब जो 4 है 0 के पास चला जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, आपकी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तैयार हो गई। बस इतना जो करना था, बहुत ज्यादा इजी चीजें हैं, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है जो आपको करना है, ऐसी ये क्वेश्चन है आपका अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है अंडर रूट 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3, इक्वेशन में रखेंगे किस तरह से एक्स स्क्वायर, ठीक है और माइनस बी अपॉन ए होता है तो ये माइनस बनेगा, ऑब्वियसली ये नहीं बनेगा, मुझे ये बताइए ऑब्वियसली बनेगा, ठीक है ना, तो माइनस का अंडर रूट 2 और यहां पर क्या आ जाएगा प्लस 1/3, क्योंकि हमने यहां पर माइनस क्यों लगाया था क्योंकि सी माइनस में था, यहां पर सी माइनस में नहीं है इसलिए प्लस ही लगाया है इज इक्वल टू 0, वही चीजें करेंगे, मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि आपको ये समझ में आ चुका है। ओके तो यहां पर हमने एलसीएम लिया 3, तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सेम चीज हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनकर तैयार है। खाना पकता है ना इसी वजह से आप बिल्कुल हलवा बना रहे हैं यहाँ पर, बस आपको उठाकर खाना है और क्या, आपने सब कुछ सीख लिया है और आप सिखाने के लिए भी तैयार है, इतनी मेरी गारंटी है, आपने सब कुछ सीख लिया है, जो बचे क्वेश्चन है उनको आप कंप्लीट करेंगे, जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 की तरफ,
चलिए बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है डिवाइड द पॉलीनोमियल पी एक्स बाय द पॉलीनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वेश्चन रिमाइंडर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो आपको क्वेश्चन रिमाइंडर फॉलो करना है, जैसे कि बचपन में डिवाइड करते थे वैसे ही डिवाइड करना है। आप ये बड़ी बड़ी संख्या डर के डर रहे हैं, बड़ी बड़ी इक्वेशन देख के डर जाते हैं कि इतना ही सर हमसे नहीं होने वाला है। आपको करना क्या है, आप किस तरह से डिवाइड करते थे, मैंने रियल नंबर में डिवाइड दिखाया था आपको किस तरह से छोटे बच्चे करते थे। 2 से 2 को डिवाइड करना है 7 से, तो किस तरह से 2, 3, 10, 6 वन रिमाइंडर आ गया, तो ये डिवाइजर था, डिविडेंड था, क्वेश्चन था, रिमाइंडर था। इसी तरह से हम बात करते हैं तो वही हमें करना है, सिंपल सी चीजें हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला छोटा टर्म है इसको हम बाहर लिखेंगे किस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 2, जो ये छोटा टर्म है इसको अंदर लिख लेंगे, वो सॉरी बड़ा टर्म है। ओके, माइनस 3 इतना सही तो करना था। अब क्या करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो हमारे ये चीजें हैं उसको देखते हैं, सॉरी यहाँ पर 3 है। ओके, मैं एक बार दोबारा से मिटाकर लिख देता हूँ 3। ओके, तो अभी हमें यहाँ पर देखना है पहला नंबर, इस पर फोकस करना है, थोड़ा अटेंशन दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर फोकस करना है, ये एक्स क्यूब पर। ओके, यहाँ पर देखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2, हमें बनाना कौन सा होता है, ये वाला टर्म बनाना होता है। तो अब बताइए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो कितने की जरूरत है, एक एक्स की जरूरत है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से। ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर देख लिया एक एक्स की कमी है, देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x माइनस के और एक्स क्यूब, आई बात समझ में, रख देंगे तो एक्स क्यूब यहाँ पर रखा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 2x दे रखा है, इस बार तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ना स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर x दे रखा है, तो इस x को एक्स वाले के साथ रखेंगे, तो माइनस के 2x यहाँ पर नहीं रखेंगे, लाइन खींचेंगे, साइन बदलेंगे, माइनस प्लस, आई बात समझ में, काट देंगे, कट गए। ठीक है ना, बचा हुआ टर्म उतार लेंगे, 3x स्क्वायर यहाँ प्लस प्लस, तो प्लस के 7x आ गया। सेम चीज करेंगे, पहला वाला टर्म देखेंगे, यहाँ पर 3x स्क्वायर, यहाँ पर बोल रहा है कितने x, तो हमें क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए, तो इसकी जो पूरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम किससे करेंगे, माइनस के 3 से करेंगे, माइनस का 3, आई बात समझ में, तो माइनस का 3 और माइनस का 2 कितना आ गया। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन है तो कैसे कह सकते हैं कि हाँ माइनस का 6 और यहाँ पर माइनस का 3x स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ गया। ओके, आई बात समझ में, सिंपल सी चीज है, रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो पहले मल्टीप्लिकेशन करी थी x से करी थी, अब कर रहे हैं माइनस 3 से। ओके, तो यहाँ पर रखते हैं 3x स्क्वायर और यहाँ पर आ रहा है हमारा 6, पर यहाँ पर एक नंबर है। ओके, तो इसको ऐसी का ऐसी रखेंगे, यहाँ पर हम रख देंगे प्लस का 6, आई बात समझ में, साइन बदलेंगे, यहाँ पर प्लस का, यहाँ माइनस का, आई बात समझ में, तो ये पूरा पूरा कट गया। इस टर्म को उतार लेते हैं, प्लस के 7x, प्लस का उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और माइनस 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 के 9 आ गया, समझ में। अब देखिए हमने इतना निकाल लिया, अब क्या हो गया, 7x हो गया, और यहाँ पर क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, आ रहा है ना समझ में। देखिए मैं कोई बार क्या करके बना देता हूँ, मैंने क्या किया, एक पहला वाला टर्म देखा कि हाँ ये क्यूब था और ये स्क्वायर था, तो मुझे क्यूब बनाने के लिए एक एक्स मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मैंने पूरे टर्म में जो था उसमें एक्स की मल्टीप्लाई कर दी, तो एक्स क्यूब आ गया और 2x आ गया। ओके, देन सेकेंड टाइम आए तो 3x, यहाँ पर 3x स्क्वायर था, अब मुझे माइनस 3 चाहिए, तो मैंने माइनस 3 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये टर्म आ गया। अब ध्यान रखिएगा टर्म को टर्म के सामने रखना, एक्स स्क्वायर के सामने एक्स रख देंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, तो हम जैसे कि जानते हैं जब भी रिमाइंड आपका जो ये रिमाइंडर हो जाता है वो डिवाइजर से छोटा हो जाता है, तो सीधी सी बात है कि वो एक रिमाइंडर आ गया, जब भी नंबर एक डिवाइजर से छोटा हो गया तो रिमाइंडर आ गया। ओके, क्योंकि हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर ये एक्स है, तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है कि दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द रिमाइंडर, आंसर हो गया ना। जी हाँ बिल्कुल सर, इतना ही था जी, बिल्कुल इतना ही था, ये कुछ नहीं है, बिल्कुल बहुत हलवा क्वेश्चन कर दिया। ठीक है ना, मेरी तरफ से ये चीजें कंप्लीट हो गई है, अगर आप एक क्वेश्चन और देखना चाहते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं मेरे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, मैं क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहा हूँ कि ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप हमारे चैनल पर आए हैं, हमारी फैमिली से जुड़े हुए हैं और आपको कोई प्रॉब्लम हो। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा था, बहुत आसान से सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो पी एक्स की वैल्यू दे रखी है, जी एक्स की वैल्यू दे रखी है, पहले हमें यहाँ पे दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर को आगे लिख लेंगे, ओके, और प्लस के 2 को बाद में लिख लेंगे,
इतने को मैंने किया, इस चीज को इतना कर दिया, ओके, और ये डिवाइड में है, तो किस तरह से लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, और डिवाइड करना है किसको, एक्स फोर को और माइनस के फाइव एक्स को और प्लस के सिक्स को, इतना ही तो करना था, ठीक है ना। चलिए करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स के फोर, ठीक है, तो पहले तो ये माइनस ही है, तो माइनस का तो मतलब एक माइनस, तो जो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस का टू है उसकी एक माइनस से तो मल्टीप्लाई होगी होगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर की और कमी है तो माइनस के एक्स स्क्वायर से इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस टू एक्स स्क्वायर, ओके, और माइनस माइनस प्लस प्लस के एक्स फोर आ गया, ठीक है ना, तो एक्स फोर को हम यहां पर लिख लेंगे, पर लेकिन एक मिनट, यहाँ पर माइनस का टू एक्स स्क्वायर है, पर यहाँ पर तो कोई स्क्वायर का एलिमेंट है ही नहीं, अब क्या करेंगे, तो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर साइड में बिठाते हैं, साइड में बिठा लेते हैं, या फिर यहाँ पर एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना, मतलब मान लीजिए ये इसी का एक पार्ट हो गया, ओके, तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट है, ओके, तो इस चीज, इस वाले एलिमेंट को हम पहले लिख लेते हैं, क्या एलिमेंट है ये, टू एक्स स्क्वायर, फिर इस वाले एलिमेंट को लिखते हैं और फिर इस वाले एलिमेंट को लिखते हैं, ठीक है ना, सिंपल सी चीज है। अब देखते हैं यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगी एक बार और, ओके, माइनस के उससे मल्टीप्लाई होगी और किससे मल्टीप्लाई होगी, टू भी लाना है, तो माइनस के टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, तो माइनस का प्लस का टू मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का फोर आ जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर प्लस का टू एक्स स्क्वायर आ गया, वही चीजें करनी है, ठीक है ना, टू एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया नंबर और इसके साथ फोर लिख दिया, साइन चेंज करें, कट गए, ठीक है, यहां से आ गया माइनस का फाइव है और यहां पर आ गया प्लस के टेन, ठीक है, यार एक चीज यहाँ पर जो लिखनी है वो कि पहले हमने किससे मल्टीप्लाई की थी, पहले हमने माइनस के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई की थी और अब हमने मल्टीप्लाई की है टू से, ये चीज भी लिखना भूलेगा मत, ये भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्स आ गया, यहाँ पर स्क्वायर आ गया, तो मतलब कहने का चाहते हैं कि ये जो है आपका रिमाइंडर आ गया है, आंसर आ गया है आपका, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन आ गया, ये रिमाइंडर आ गया, बस इतना ही तो करना था, इतना सही सवाल था, मैंने आपको हार्ड क्वेश्चन भी करा दिया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में, मैंने बहुत सारी चीजें आपको अच्छे सॉल्व करवा दी है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, अभी बोल रहा है हमसे चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल द सेकंड, ठीक है ना, बाय द डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, तो ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है आपको बताना है कि वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है डिवाइड करके, ओके, सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये पूछना चाह रहा है कि फैक्टर होगा या नहीं होगा डिवाइड करके बताना है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए मैं 2 को 8 से डिवाइड करूं, ठीक है, मतलब 2 4 8 मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, सीधी सी बात है लास्ट में 0 आ गया, ठीक है, तो कहने वाली बात है कि अगर मैं इस चीज को इससे डिवाइड करके 0 ले आता हूं तो ही तो इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज होगा या नहीं होगा, सोचने वाली बात है, ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं 4 को भी 4 को 8 से डिवाइड करूंगा, 4 2 8, ठीक है ना, तो कहने में तो वाली बात है कि यहाँ पर 0 आ जाना चाहिए, 0 आ गया फैक्टर में तभी आपका क्या होगा, ये आपका फैक्टर बन जाएगा, ठीक है ना, मतलब रिमाइंडर में 0 आना चाहिए तभी आपका ये फैक्टर होगा, कहने वाली बात ये है, ठीक है ना, तो हम इसको इसे डिवाइड करके देखेंगे कि लास्ट में 0 आता है तो ठीक है ये इसका फैक्टर होगा, यस, अदरवाइज इसका आंसर नो हो जाएगा, ठीक है ना, चलिए करके देखते हैं, मैं क्या करता हूँ इसको डिवाइड कर लेते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, ओके, ठीक है, तो पहला बात देखते हैं कि ये बोल रहा है एक्स फाइव है और यहाँ पर एक्स थ्री है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है कि एक्स टू से मल्टीप्लाई करनी है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है, चलिए करते हैं मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का आ गया और एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x, तो माइनस के 3x क्यूब, ठीक है ना, स्क्वायर और एक हो गए और एक्स स्क्वायर और एक 3, तो प्लस के एक्स, सॉरी यहाँ पर माइनस का रहेगा और प्लस के एक्स फाइव, आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो 6 होना चाहिए, 2 3 6 होते हैं, 2 3 6 होते हैं ना, पर आपने एक्सपोनेंट्स अगर सही से पढ़े हैं कि अगर इनका बेस सेम होता है, जैसे यहाँ पर एक्स सेम, उनका एक्स जो है वो बेस है, तो एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लीकेशन में आकर जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर वही जुड़ा है कि 2 + 3 = 5 आ गया, समझ में, बहुत ज्यादा कॉमन चीज थी, ठीक है ना, तो हमारा ये आ गया एक्स फाइव माइनस 3x³ + h² तो लगते हैं, ठीक है ना, यहाँ से हटा लेते हैं इसको, एक हमने कर लिया है, तो एक्स फाइव, ठीक है ना, माइनस 3x³ और यहाँ पर आया था हमारा प्लस का एक्स स्क्वायर,
यही तो आए थे हमारे, ठीक है ना। तो साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस ये कट गए, ठीक है। यहां से माइनस का फोर एक्स क्यूब बड़ा है और प्लस का थ्री एक्स क्यूब छोटा है, तो माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर प्लस माइनस ये भी कट गए, ऊपर से क्या बचा, प्लस का थ्री एक्स और प्लस का वन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अटेंशन से समझिएगा, बहुत अच्छी तरह समझिएगा, बहुत क्लोज चैप्टर खत्म करने के, बस थोड़ा सा और टाइम चाहिए मुझे आपका और हम चैप्टर को खत्म करने वाले हैं बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें आ गई, हमारा हमने किससे डिवाइड किया था, हमने किया था एक्स स्क्वायर से, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर से। अब हमारा फर्स्ट टर्म जो आ रहा है वो आ रहा है एक्स क्यूब, पर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस है, तो माइनस के वन से सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मतलब माइनस के वन से सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो चीजें प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये भी माइनस और ये प्लस था, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में, हो गया, ठीक है ना। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस कट गए, कट गए, बट एक मिनट, एक मिनट, प्लस का वन और प्लस का वन, क्योंकि इसका साइन चेंज हो गया ना, तो यहाँ पर तो टू आ गया, ठीक है। मतलब ये पूरा पूरा कटा ही नहीं, ये पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं हुआ, ठीक है ना। पर हमें देखना था कि अगर पूरा पूरा डिवाइड होगा, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट में जीरो आ जाएगा तो फैक्टर है, और नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, तो सीधी सीधी बात है इसका आंसर नो हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ है। बाकी के ऊपर के जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करने हैं, उनका आंसर आ जाएगा बिल्कुल, ये उनका आंसर है, क्योंकि उनको काटकर जीरो आ जाएगा, जो नहीं कट के आने वाला था इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है, ओके। पर करना जरूर है, होमवर्क है आपका, बहुत ज्यादा अच्छे से करना है और सब चीजें सीखनी भी है, ठीक है। जल्दी से बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, ओके। तो समझते हैं, ये बोल रहा है ऑब्टेन ऑल द जीरोस फ्रॉम द पॉलीनोमियल दिस दिस एंड दिस, टू जीरोस आर ये दे रखी है आपके अंडर रूट 5 अपॉन 3 एंड माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3। तो क्या करना है हमें, इसके सारे जीरोस निकालनी है, सारे जीरोस फाइंड करनी है, जिसमें से दो जीरो हमें गिवन है और जितनी बची है हमें निकालनी है। तो पहले जैसे कि मैंने आपको सारा पॉलीनोमियल से कांसेप्ट समझा रखा है कि जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतनी ही जीरो निकल पाती है, समझा रखा है, बिल्कुल समझा रखा है, आप इतने बेवकूफ नहीं है कि आप उसको याद ना रखें, जी हाँ बिल्कुल अच्छे से याद रखते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, मैक्सिमम पावर देखते हैं, मैक्सिमम पावर है हमारे एक्स की पावर 4, चार तो निकलने वाले, सीधे से कांसेप्ट था हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो दो यहाँ पर गिवन है, मतलब दो और निकालनी है, सिंपल सी चीजें हो गई, वो इस बेस पर निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, थोड़ा उल्टा करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा उल्टी तरीके से देखते हैं, आइए। तो ये दो जीरोज हैं, हम किस तरह से निकाल, दो जीरोज हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, एक्स कुछ इस तरह से होगी, एक्स माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3, ठीक है ना, कुछ इस तरह से होगी, और एक होगी एक्स प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 3, क्योंकि अगर मैंने इसको जीरो के बराबर रखा होगा तो ये प्लस में आ गया होगा, इसको मैंने जीरो के बराबर रखा होगा तो ये माइनस में आ गया होगा, इस तरह से तो निकालते हैं, जी हाँ बिल्कुल आपको अच्छे से याद है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ये तो फॉर्मूला होता है ना, हाँ जी हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सॉरी, ओके। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दिया, और 5 अपॉन 3 इसका भी स्क्वायर कर दिया, ओके। तो ये चीजें आ गई, ओके। यहां पर से क्या हमें क्या फाइंड हो गया कि एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3, इस तरह से चीजें फाइंड हुई, मैंने स्क्वायर से अंडर रूट को काट दिया, सिंपल सी चीजें है। तो हमें क्या चीजें फाइंड हुई, ये चीजें फाइंड हो गई, इसकी भी मैं इक्वेशन बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ, 3x² - 5, ओके, इस चीज से। तो ये वाले जो मैंने इक्वेशन निकाली है इन जीरो से निकाले, थोड़ा उल्टे चलने की कोशिश कर रहा हूं समझने के लिए कि जो दो जीरो रही होंगी वो क्या रही होंगी, मतलब हमें टोटली पोलिस दो जीरो नहीं दे रखी, दो जीरो हमें निकाल कर देखनी थी, वो हमने यहाँ पर निकालेगी, एक पॉलीनोमियल जो मैंने बना लिया वो ये बना लिया, आ गया समझ में, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इसको इससे डिवाइड करके बाकी के दो जीरो निकाल लूंगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान चीजें थी, मतलब मैंने क्या किया, दो जीरो मैंने गिवन थी, मैंने उनको एक्स के बराबर रखा और वैल्यू निकाल ली, अब जो वैल्यू आई है मैं उसको जो बड़ी वाली पढ़ना है उसको डिवाइड करके देख लूंगा कि बाकी के दो बचे हुए जीरो क्या थे, इसी तरह से तो करेंगे, जी हाँ बिल्कुल करेंगे। तो हम अभी फिलहाल के लिए इस सब चीजों को कर रहे, क्योंकि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ओके। अब नोट बनाते रहिए, जो जो मैं लिखवा रहा हूं, तो हमारा जो था 3x² - 5 आपका ये नंबर था, ओके। हमें डिवाइड करना है इस पूरे टर्म को, 3 एक तो मैंने पहले ऊपर टर्म लिख लेता हूँ, 3x4 + 6x³ - 2x² + -10x - 5,
ओके डिवाइड करना है मुझे, ठीक है ये पूरा जो नंबर था यहाँ पर डिवाइड करना है मुझे 3x² - 5 से, इसे डिवाइड करना है। जी हाँ बिल्कुल, तो वही जैसे हम डिवाइड करते हैं चीजों पर आ जाते हैं, यहाँ पर क्या 3x की पावर 4 है पर यहाँ पर क्या 3x² है, तो हम क्या करेंगे x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1x² से देखिए यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको, x² से मल्टीप्लाई की मैंने तो ये आ जाएगा -5x² और ये आ जाएगा 3x की पावर 4+ की। ओके तो यहाँ पर 3x की पावर 4+ की यहाँ पर मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई की, तो मैं सीधे लिखते चले जाता हूँ x से मल्टीप्लाई -5x, तो -5x² आ रहा है, तो स्क्वायर वाले के साथ लिखेंगे -5x², ठीक है ना, साइन बदलेंगे माइनस प्लस कट गए, ये प्लस का 6x³ इस तरह से लिखा जाएगा। ओके तो माइनस प्लस, तो प्लस के बाद जो डिजिट है प्लस के 3x² बच जाएंगे क्योंकि 5 वाला जो बड़ा हो जाता है। ओके बाकी डेटा हम लिख लेते हैं माइनस का 10x - 5। ओके अब क्या करते हैं वही पहले वाली चीजें, पहली चीजें देख ली है ठीक है ना, तो 3x² है यहाँ पर है 6x³, पहले देखते हैं क्या चीज की कमी है, पहले क्या कमी है, देखिए यहाँ पर 3x है यहाँ पर 2x है तो 1x की कमी है, फिर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, 3 2 6 मतलब 2x की कमी है, 2x की कमी है, तो 3x² में इसमें 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x से माइनस साइड करते हैं माइनस के 10x आ गया, ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x³ ये भी आ गया, ठीक है जी। किससे मल्टीप्लाई की थी आपके प्लस के 2x से, तो प्लस के 2x से मल्टीप्लाई की थी, 6x³ आ गया और ये आपका माइनस के 10x भी आ गया। ओके वापस से ठीक है ना, साइन चेंज करके माइनस प्लस कट गया ठीक है ना, और ये भी कट गया, यहां से क्या बचा प्लस के 3x² बचा और माइनस के 5 बचा। एक मिनट, यहां पर भी ये है यहां पर भी है, हमें क्या करने की जरूरत है, हम तो सीधे सीधे 1 से करने वाले हैं ठीक है ना, प्लस का 1 से करने वाले हैं क्योंकि ये पूरा पूरा आपका कट जाएगा और नीचे आ जाएगा 0 आ गया, मतलब हमारा ये पूरा पूरा आपका सॉल्व हो गया, हमें समझ में आ गया कि ये सॉल्व हो रहा है। ओके तो अब हम क्या करेंगे इस चीज को ना और ज्यादा थोड़ा सा आगे लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने समझा कि जो हमने इससे आए होंगे 2 0 तो हमारी ये थी जो कि इससे आई थी, और 2 बची हुई 0 हम किससे ऑब्टेन करेंगे, इससे ऑब्टेन करेंगे। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है पर हम पूरा अच्छे से समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी वजह से। ओके तो हम इस क्वेश्चन को लंबा करने, तो क्या कहने का मतलब क्या है कि इससे 2 0 हमने निकाल ली थी, 2 0 ये थी, हमने इससे ये निकाला था, बची हुई 2 0 किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। किस तरह से, मैं आपको फैक्टर करने बताया किस तरह से फैक्टर करते हैं, x² क्या नंबर दे रखा है प्लस का 2x और प्लस का 1, यही तो नंबर है, इसलिए हम क्या करते हैं प्रोडक्ट निकालने थे 1 प्लस करके 1 लाने हैं, तो 1+1 अब 1 × 1 1 ही होता है। ओके तो एक्स 1+1 और यहां पर भी 1, तो x² + 1x + 1x + 1 कॉमन निकाल लेते हैं, x + 1 और यहां पर भी कॉमन निकाल लेते हैं 1, तो यहां पर भी बच जाएगा x + 1, तो x + 1 और x + 1 दो चीजें निकल जाएंगे, जीरो के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू जाएगी -1 और -1, ये 2 0 और थे, यही आपका आंसर था, आपको समझ में आ गया होगा। लंबा क्वेश्चन जरूर था पर हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए। ओके तो कहने का मतलब यह कि जो पूरा क्वेश्चन यही था, एक क्वेश्चन और बचा है उसको कंप्लीट करते हैं, पॉलीनोमियल चैप्टर पर खत्म होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आप सभी को कांग्रेचुलेशंस, आपने पॉलीनोमियल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, आपने पॉलीनोमियल चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है विद एक एक कंसेप्ट, आप दूसरों को सिखा भी सकते हैं, इतना अच्छे से मैंने आपको क्लियर करा दिया है पॉलीनोमियल्स। ओके एक लास्ट क्वेश्चन और बाकी है उसको कर लेते हैं और आपका पॉलीनोमियल चैप्टर यहां से समाप्त हो जाएगा। ओके तो ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस, तो ये बोल रहा है कि क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ये है, आपको जीएक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके मतलब डिवाइजर आपको फाइंड करना है, आपके पास क्वेश्चन है, डिविडेंड है और रिमाइंडर है। मैंने आपको रियल नंबर पढ़ाया है, आपको एल्गोरिथम बताएंगे, डिविडेंड की जो आपकी यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम है वो मैंने आपको बता रखी है। किस तरह से बताएंगे मैंने आपको, आपको कुछ याद है कि डिविडेंड जो होगा वो डिवाइजर इंटू रिमाइंडर, सॉरी डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यही तो होता है।
आपने अच्छे, अगर आपको अच्छे से याद हो, आपने अच्छे से याद करी हो इन चीजों को, तो आप समझ सकते हैं कि जो डिविडेंड होता है, मतलब जो ये वाला नंबर है, पूरा नंबर है, इसके डिवाइजर के, डिवाइजर के दे रखा जी एक्स दे रखा है। मतलब अगर इस नंबर को पूरा पूरा यहाँ पर लिखूं इस तरह से कि 3x² प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू दे रखी है जी एक्स इंटू, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आते हैं आपके एक्स माइनस 2 और रिमाइंडर क्या है आपका माइनस के 2x+4। तो इस तरह से कुछ हमारा इक्वेशन बन जाती है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, डिवाइजर इंटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर इस तरह से रख दिए। अब वो ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है बस, उससे क्या करना, और कुछ चीजें नहीं है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां से प्लस में चीजें थी, इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में जाएगी, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। तो वही चीजें मैं आपको करने वाला हूं। किस तरह से, मैंने ये नंबर लिखा आपका x³ - 3x² + x + 2 और यहाँ पर ये माइनस में आ गया, साइन चेंज जाएंगे, तो मतलब प्लस में 2x और माइनस का 4, यही तो कहना चाह रहा है। और इधर मैंने क्या लिख दिया, इधर लिख दिया मैंने gx × x - 2। तो यहां चीजें कवर करके देख लेते हैं, तो ये चीज ये होगी, ये ऐसी कैसी रहेगा, 2x था, 1x था, तो 3x हो जाएंगे प्लस के, माइनस का 4 प्लस का 2, तो माइनस के 2 इंटू, ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो जी एक्स में ऐसी का ऐसे रखता हूँ, ये जो मल्टीप्लीकेशन था ये वाला मेरे आता है यहाँ पर डिवाइड में, ओके। तो डिवाइड में आ जाता है x - 2, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिवाइड में आ गया, अब दोबारा से डिवाइड आ गया, इतना हम कर चुके हैं, मतलब अभी तक डिवाइडेड और डिवाइड करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को समाप्त करता हूँ, ये जो डिवाइड करेंगे वो आप करेंगे, और पिक लेकर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया या नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी मेहनत आपके लिए कितनी जरूरी थी, ओके। तो इस क्वेश्चन को आपको डिवाइड करना, फैक्टर निकाल लेना, आपका जी एक्स जो आ जाएगा, आपका जो इसका डिवाइड करके आएगा वही आपका डिवाइजर होगा, बस इतना सीधा करना था। तो यहाँ पर आपका पॉलीनोमियल समाप्त होता है। मैंने कितनी मेहनत की है आपके लिए वीडियो बनाई है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी मेरी मेहनत को पूरी तरह से सफल बनाएंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, शेयर सबसे ज्यादा करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप मुझे निराश नहीं करेंगे, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप मुझे अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊंगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको यहीं पे विदा लेता हूं, मैं आपकी छोड़कर जाता हूं, आपके ऊपर कि आप मुझे इस वीडियो में कितना सपोर्ट करते हैं, कितना प्यार दिखाते हैं अपना, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा हमारे चैनल को, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए हमें, फेसबुक पेज भी हमारा लाइक कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।